भाई स्वागत है आपका अपना चैनल पैंथर 11। आज वीडियोस में हम बात करने वाले हैं NBA के रिगार्डिंग बात करेंगे। सेकंड मुकाबला आज का जो खेला जाएगा गाइज, लॉस एंजलिस वर्सेस आपको मिनेसोटा के साथ गाइज ये मुकाबला होगा। ये मुकाबला की टाइमिंग जो है वो आपको 7:30 AM में जो ये मॉर्निंग में आपको ये मैच खेला जाएगा। काफ़ी बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा क्योंकि गाइज दोनों टीमों में काफ़ी अच्छे धुरंधर प्लेयर्स हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों टीम की जो स्टार्टिंग 5 प्लेयर्स होने वाले उस पर हम बात कर लेते हैं। अभी तक के दोनों टीम की कोई भी मैच नहीं हुई है, प्री सीजन की मैच हुई है और स्टार्टर की हम बात कर लेते हैं। तो मिनेसोटा की तरफ से आज के मैच में जो स्टार्ट करेंगे पॉइंट गार्ड सेक्शन से आपको माइक कॉलनी जो स्टार्ट करते हुए दिखेंगे। शूटिंग गार्ड से एडवर्ड्स रहने वाले स्मॉल फॉर्ड से गाइज आपको जे मैकडेनियल्स जो स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। पावर फॉर्ड से जे रंडाले रहने वाले, सेंटर से आपको रूडी गोवर्ट जो आपको स्टार्ट करेंगे। आउट प्लेयर्स की हम बात करते हैं, कोई भी प्लेयर आउट नज़र नहीं आ रहे हैं। वही गाइज हम बात कर लेते हैं तो आपको लैकर्स की टीम की तरफ से जो स्टार्टिंग 5 प्लेयर्स होने वाले हैं तो पॉइंट गार्ड सेक्शन से आपको डी रसेल जो स्टार्ट करेंगे। शूटिंग गार्ड से रहने वाले अगस्टिन रिप्स, स्मॉल फॉर्ड से गाइज आपको लेब्रोन जेम्स जो स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। पावर फॉर्ड से बात करते हैं रुई हचिमुरा रहने वाले और सेंटर से एंथोनी डिवाइस जो आपको स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। आउट प्लेयर्स की हम बात करते हैं तो कोलंको आउट नजर आएंगे और गाइज वन वलीद आउट नजर आएंगे आज के मैच में। सेंटर से गाइज आपको यहाँ पे हम बात करते हैं सीवुड आउट नजर आएंगे आपको लैकर्स की टीम की तरफ से। अब गाइज बात करते हैं दोनों टीम की तरफ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होने वाले हैं, कौन से प्लेयर्स को अपनी टीम में पिक करना है उस पर हम बात कर लेते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि गाइज अभी कोई भी मैच नहीं हुआ है, प्री सीजन का मैच हुआ है। ये मैन मैच जो आपको कल से स्टार्ट होना है तो गाइज ये सारी अपडेट वैसे मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। फर्स्टली बात कर लेते हैं वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले, गाइज आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो और ज्वाइन नहीं किया तो गाइज ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे गाइज आपको मिलती है बास्केटबॉल की सारी अपडेट मिलेंगी, फाइनल रिजल्ट टीम मिलने वाले सभी फॉर्मेट में गाइज आपको यहाँ पे टीम प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो गाइज हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक मिलेंगे वीडियो का डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में, जहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो। और गाइज यहाँ पे आपको फाइनल अपडेट फाइनल टीम मिलने वाले, तो गाइज मिस मत कीजिएगा, डायरेक्ट ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो या सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आपको फाइनल रिजल्ट टीम प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बात कर लेते हैं गाइज कौन से प्लेयर्स को आज के मैच में पिक करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट गार्ड सेक्शन से गाइज आपको डी रसेल जो स्टार्ट करते हुए दिखेंगे 14.5 ग्रेड में, जो है लैकर्स की टीम की तरफ से काफ़ी अच्छा है क्योंकि इनकी पोजीशन पॉइंट गार्ड सेक्शन से प्ले करेंगे, लंबे कद के प्लेयर्स हैं तो अपने टीम में इनको रसेल को लेकर के जा सकते हो, अच्छे क्रेडिट में अवेलेबल है, टीम में ट्राई कर लीजिएगा। डेविन जो आपको बेंच से प्ले करते हुए नजर आएंगे 11.5 क्रेडिट में अवेलेबल है, आप एक जीएल टीम में आप इनको ट्राई कीजिए, एसएल टीम में आप इनको ड्रॉप करके जा सकते हो चाहिए तो। गाइस यहाँ पे आप माइक कॉलिंग जो स्टार्ट कर रहे हैं मिनेसोटा के टीम के तरफ से, तो गाइज माइक कॉलिंग अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे तो आप इनको माइक कॉलिंग को अपने एसएल और जीएल दोनों में लेकर के जा सकते हो। जी वेसेंट की हम बात करते हैं तो गाइज आपको जी वेसेंट बेंच से प्ले करेंगे, क्रेडिट मैनेज के लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, अपने टीम में इनको लेकर के जा सकते हो एसएल प्लस जेल्स में। शूटिंग गार्ड से हम बात कर लेते हैं, एडवर्ड्स आपके लिए पीपी और एसपी के लिए सेफ चॉइस होने वाले हैं क्योंकि गाइज ये अटैकिंग परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, टीम के मेन प्लेयर्स है जो लीड करते हुए नजर आएंगे। रिच की बात करते हैं, स्टार्ट करेंगे 13.5 क्रेडिट में अवेलेबल है, क्रेडिट इशू नहीं है तो इनको ट्राई कीजिए, अदरवाइज आप इनको चाहो तो शूटिंग गार्ड से इनको ड्रॉप करके एडवर्ड्स के साथ जा सकते हो। एलेक्जेंडर बेंच से प्ले करेंगे, 7 क्रेडिट में ठीक ठाक ऑप्शन होने वाले हैं। वहीं गाइज हम बात करते हैं क्रिस्टी रहेंगे जो आपको बेंच से प्ले करते हुए नजर आएंगे तो इनको भी आप ट्राई करके जा सकते हो। अब गाइज हम बात कर लेते हैं लेब्रोन जेम्स की, तो गाइस ये क्रेडिट इशू मैचेज है तो आप यहाँ पे किसी एक प्लेयर्स को लेकर के जा सकते हो। अगर आप यहाँ पे जेम्स के साथ जाते हो तो फिर एंथोनी डिवाइस जो सेंटर से प्ले करते हैं तो वो प्लेयर्स आपके टीम में पिक नहीं हो पाएंगे, तो आप अगर एक आध टीम में चाहो तो जीएल प्ले करते हैं तो लेब्रोन जेम्स को ट्राई कर सकते हो एज एसपी, अदरवाइज एसएल टीम में आप इनको जेम्स को ड्रॉप करके जाना। मैकडेनियल्स को ट्राई कर लेना, 8.8 क्रेडिट में अच्छे ऑप्शन है। डोजियर की हम बात करते हैं, पॉल डोजियर बहुत अच्छे परफॉर्मर है बट गाइज अवेलेबल नहीं है अभी, इसलिए आप इनको ड्रॉप करके चलना। बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे आपको दिखने वाले नेकेट जो आपको बेंच से प्ले करते हुए नजर आएंगे। पावर फॉर्ड से हम बात कर लेते हैं, जेरन डाले रहने वाले जिनको अपनी टीम में चाहो तो एसएल जेल्स में लेकर के जा सकते हो। ये भी गाइज आपको रिबाउंड असिस्ट कलेक्ट करते हुए दिखेंगे, लंबे प्लेयर से ब्लॉक भी करते हुए नजर आते हैं क्योंकि ये गाइज आपको पावर फॉर्ड इनकी पोजीशन होती है। नासरीर आपको बेंच से प्ले करते हुए दिखेंगे, हचिमुरा स्टार्ट करेंगे, हचिमुरा को लेकर के जा सकते हो। अब गाइज बात करते हैं सेंटर प्लेयर्स की, तो आपको यहाँ पे एंथोनी डिवाइस रहने वाले जिनको आप एज ए एसपी ट्राई कर लेना, ये गाइज आपके लिए अच्छे चॉइस हो सकते हैं। गोवर्ट आपको स्टार्ट करेंगे। बात करते हैं हाइंस की, आपको बेंच से प्ले करते हुए दिखने वाले हैं। अब गाइज बात कर लेते हैं यहाँ पे सेट टीम प्रीव्यू क्या रहने वाली हमारी उस पर हम बात कर लेते हैं। उससे पहले गाइज आपने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो गाइज ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे गाइज आपको मिलती है लाइनअप प्लस फाइनल एसएल टीम मिलेंगे, काफ़ी अच्छा विनिंग रेशियो रहने वाले हैं और गाइज यहाँ पे बास्केटबॉल की सभी मैचेस कवर किए जाते हैं, सभी
जो अगर आपको टीम चाहिए तो गाइज हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हो, ये लिंक आपको मिल जाएंगे वैसे वीडियो का डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिलेंगे, जहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो। यहाँ पे गाइज सारी अपडेट मिलेंगे, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या आप कमेंट सेक्शन में आप ये लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को। और गाइज आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। और गाइज अभी बास्केटबॉल की आपको फाइनल रिजल्ट मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। बात करते हैं सेट टीम प्रीव्यू की, तो गाइज मैंने सेट टीम में जिस प्लेयर्स को पिक किया हुआ है, मैंने पॉइंट गार्ड सेक्शन से गाइज आपको डी रसेल को मैंने पिक किया हुआ है, माइक कॉलनी को टीम अपने टीम में पिक किया हुआ है। शूटिंग गार्ड से गाइज मैंने यहाँ पे तीन प्लेयर्स को लिया हुआ है, एडवर्ड्स को मैंने एज ए पीपी ट्राई किया हुआ है, अगस्टिन रिप्स रहने वाले हैं, एलेक्जेंडर को गाइज मैंने टीम में ट्राई किया हुआ है। और बात कर लेते गाइज यहाँ पे पावर फॉर्ड से, तो गाइज यहाँ पे निच्ट को मतलब के निच को मैंने टीम में अपने ट्राई किया हुआ है, जो आपको प्री सीजन में काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्म रहा है। वहीं बात करते हैं हर्चिंग मोड़ा जो स्टार्ट करते हुए देखेंगे, एंथोनी डिवाइस को गाइज मैंने एस पी ट्राई किया हुआ है। ये गाइज हमारी रहने वाली सेट टीम, और बाकी फाइनल टीम जो मिलेंगी वो लाइनअप के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जहाँ पे गाइज लाइनअप प्लस फाइनल एसएल टीम प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और गाइज आपने अब तक नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, सारी अपडेट फाइनल एसएल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। और गाइज वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ कीप योर सपोर्ट विद पैंथर 11।